उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। ओ, उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। जब तक इन लोगों में से एक भी आदमी जिंदा रहेगा ना, ये लोग यही रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं हटेंगे। ये कौन लड़की है जो अचानक बस्ती वालों की मसीहा बनकर हमसे टक्कर लेने चली है? मतलब उनका दाहिना हाथ बीजू दादा है और बस्ती के लोग उनसे बहुत डरते हैं। आकांक्षा तुम देखना बेटा, आज दीनानाथ के आदमी खाली हाथ गए हैं ना, कल वो जरूर अपने गुंडे बेटे को भेजेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता अम्मा कि वो लड़की पैसे देखकर अपना इरादा ना बदले। पैसे में बड़ी ताकत होती है अम्मा। मालिक, काम हो गया? मालिक, वो शाम वहां गया था, लेकिन 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 क्या जवाब दो जी? वो बात यह है कि आकांक्षा ने पैसे वापस भिजवा दिए। क्या कहा उसने? क्या कहा? जी जी, उन्होंने कहलवाया कि आकांक्षा बिकाऊ नहीं है। और ये काम वो पैसों के लिए नहीं बल्कि बस्ती वालों की मदद करने के लिए कर रही है। उसकी इतनी हिम्मत कि दीनानाथ को चुनौती दे? तुम जाओ यहां से, हम देखेंगे कैसे इस लड़की को कैसे संभालना है। विराज, मामला बहुत है गरम है, तनी ठंडे दिमाग से काम लियो। जी बाबूजी। विराज, बस्ती खाली करवाने की सारी कोशिशें हमारे आदमी कर चुके हैं, लेकिन सब खाली हाथ वापस लौटे हैं। लेकिन क्यों बाबूजी? क्योंकि कोई है जो उनका मसीहा बना हुआ है। भाई उन्हें भड़का रहा है, इसलिए वो जमीन खाली करने से मना कर रहे हैं। ठीक है बाबूजी, लेकिन काम मुझे अपने तरीके से करना पड़ेगा। तरीका कोई भी हो विराज, लेकिन हमें हर हाल में वो जमीन चाहिए। हो सकता है इसमें थोड़ी मारपीट हो, खून खराबा हो, सोच लीजिए बाबूजी। चुनाव जल्दी होने वाले हैं बाबूजी, ये ना हो कि खामोखा आपका नाम खराब हो जाए। हमें इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता विराज,
क्योंकि अगर एक तरफ हमने अपना काम करवाने के लिए सारी हदें पार कर ली हैं तो दूसरी तरफ हमने उनका दिल जीतने के लिए उनके बहुत सारे काम करवाए हैं। उन्हें नौकरियां दिलवाई हैं, उनके बच्चों को स्कूल्स में कॉलेजेस में दाखिले दिलवाए हैं। अगर इस जमीन के मामले को लेकर अगर हमारे नाम पर कीचड़ उछाला भी गया तो कौन यकीन करेगा? इतना विश्वास लोगों का तो हमने दबाया ही गया। ठीक है बाबूजी, आपकी जमीन खाली हो जाएगी, बहुत जल्द आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। चलता हूं। तो तूने बहुत ही अच्छा किया। अब वो लड़की को पता लगेगा कि उसका सामना किसे होवे जा रहा। हाँ माँ, हम विराज के भरोसे किसी भी काम का जिम्मा ले लेते हैं क्योंकि हमें उसकी अकल, ताकत और बहादुरी तीनों पर भरोसा है। बहुत अच्छी बात है कि आकांक्षा समाज सेवा करना चाहती है, बहुत हिम्मत है लड़की में। माँ, आकांक्षा को तब देखना चाहिए था जब सोहन मेनका के साथ शादी कर गया था हॉस्पिटल में। आप उसे देखकर दंग रह जाते, एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं टूटी थी उसकी, ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना। आकांक्षा पूरी तरह से पापा पर गई है, परिस्थितियां चाहे जो भी हो उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है वो। क्या बात है भाभी? पूजा बैठो ना। किसके बारे में बातें हो रही है? आकांक्षा की, उसने आजकल समाज सेवा शुरू की है। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कहीं से शुरुआत हुई उसकी? हाँ हुई है ना, आजकल वो एक बहुत बड़े बिल्डर के खिलाफ बस्ती वालों का साथ दे रही है। उस बिल्डर ने किसी आदमी से जमीन खरीदी थी, अब वो बिल्डर चाहता है कि बस्ती वाले वो जमीन खाली कर दें और आकांक्षा उनका हक दिलाने के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ रही है। बिल्डर? ये किस बिल्डर की बात कर रही है? विशाल के भाऊजी भी तो बिल्डर ही है, कहीं आकांक्षा उनके खिलाफ तो नहीं लड़ रही? अब भाभी, आकांक्षा जिस बिल्डर के खिलाफ लड़ रही है उनका नाम क्या? पता नहीं, हमने पूछा नहीं। अच्छा तो आकांक्षा ने कुछ तो बताया होगा ना कि कहाँ रहते हैं वो, कुछ तो? छोड़ ना पूजा, इससे हमें क्या मतलब। हमें तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आकांक्षा उस बिल्डर से लड़ाई में जीत जाए। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। दोपहर 3 बजे कैफेटेरिया में मिलेंगे। विशाल, पूजा किसका SMS? इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों लग रही? भैया वो गायत्री का SMS आया है, उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो चाहती है कि कल मैं उसके साथ हॉस्पिटल जाऊँ। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम कल चली जाना ना।
बेटा पापा? क्या हुआ वो बच्ची के प्रॉब्लम का? पापा अभी तक तो मुझे भी नहीं पता कि क्या दीदी 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 क्या हुआ राधे वो बच्ची खाली करने के लिए किसी तरह आए हुए पर वहाँ पे पुलिस वाले हैं ना वो किसी के लिए सुना है दीदी पापा मुझे अभी इसलिए बस बस्ती जाना होगा वरना कोई भी प्रॉब्लम चलो राधे ठीक है दीदी देखा सुनती भी नहीं है ये लड़की कुछ बताया भी नहीं कहाँ जा रही है क्या हुआ अरे पार्वती जब आकांक्षा वहाँ जाएगी तभी उसे पता चलेगा ना कि क्या हुआ है और अगर वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती रही तो उसे वहाँ पहुँचने में देरी हो जाती सुकन्या हमारी बेटियाँ सुकन्या हमारी बेटियाँ अभी भी नहीं है विजू दादा को ले जा रहे हैं तुम कौन होते बीच माने वाले अगर ये माँ जी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हैं तो नहीं जाएंगी आज के बाद अगर माँ जी के आसपास भी नजर आए ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे आज से माँ जी मेरी सुरक्षा में रहेंगी और अगर इन्हें राह चलते चोट भी आई ना तो उसका जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा मंदिर के सामने दुकान लगा के रखी है और भगवान के नाम पे लूट मचा रखी है हाँ नहीं बाबूजी बिजनेस में इतने फूल मिलते हैं मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं जो कह दिया तो कह दिया तो माँ जी के बाकी बचे हुए 10 रुपए अभी वापस करो विजू दादा आकांक्षा तो तुम विजू दादा हो जिनसे ये सारे बस्ती वाले डरते हैं पिछली मुलाकातों में ही मुझे पता चल गया था कि तुम जो नजर आते हो वो तुम नहीं हो तुम्हारा दूसरा भी रूप है लेकिन मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ये चेहरा भी हो सकता है तरफ गरीबों की मदद करने वाला मसीहा और दूसरी तरफ लोगों का हक छीनने वाला बीजू दादा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे किस रूप पे यकीन करूं इन सब बातों को छोड़ो आकांक्षा काम की बात यह है कि मुझे यह बस्ती किसी भी हाल में खाली करवानी है अच्छा यही होगा कि तुम इन बस्ती वालों को कह दो
तो चुपचाप यहाँ से चले जाए, वरना खामो खाई खून खराब होगा। तुम और कर भी क्या सकते हैं? लेकिन तुमने कभी सोचा है, तुम अमीर हो लेकिन ये लोग गरीब हैं। इन लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके ये जमीन खरीदी है, इस पर अपना आशियाना बनाया है, और तुम इनके सर से इनकी छत छीनना चाहते हो। हो सकता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन ये जमीन हमारे बाबूजी ने खरीदी है और हमारे पास इसके वैलिड पेपर्स हैं, और हमारे बाबूजी इस जमीन पर बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं और वो बनकर रहेगी। अगर तुम्हारे बाबूजी ने ये जमीन खरीदी थी तो ये लोग भी यहाँ पे गैर कानूनी ढंग से नहीं रह रहे हैं, बल्कि इनके पास तो सबूत है कि ये जमीन इन्हीं की है। तो मतलब ये जमीन खाली नहीं होगी? हो सकता है, लेकिन अगर इन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दे दे, या फिर इन्हें इतने पैसे दे दिए जाए कि ये खुद कहीं जाकर अपना घर बना सके, ये हरगिज नहीं हो सकता, और हम इस बात को कभी नहीं मानेंगे। ठीक, अगर वो हमारी सही बात नहीं मान सकते तो हम भी उनकी गलत बात नहीं मानेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर इन बस्ती वालों की जगह आपके भाई बहन होते तो आप क्या करते? जरा उस औरत को देखिए, अगर उस औरत की जगह आपकी माँ होती तो आप क्या करते? आकांक्षा, सुकन्या हमारी बेटियाँ। सुकन्या आकांक्षा, आपको तो सिर्फ सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है, जरा इनके बारे में सोचिए, इनके साथ तो ये सब हो रहा है, तो इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी? ये लोग गरीब हैं, लाचार हैं, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनको अपना गुस्सा पीना पड़ेगा। कुछ भी हो आकांक्षा, तुम मेरी माँ और मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें कोई हक नहीं है। देखिए, मैं आपकी माँ का अपमान नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि जब हमसे अपनी कोई चीज छीन लेता है और वो आपसे ज्यादा ताकतवर होता है तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको ये लगेगा कि आप कमजोर हैं तो आप सारी जिंदगी बस तड़पते रह जाएंगे। अपना घर बनाना हर इंसान का सपना होता है, उसकी सारी आशाएं, उसकी खुशियां उसके घर से जुड़ी हुई होती हैं। और जब कोई उसका घर छीनने की कोशिश करता है तो वो ये बर्दाश्त कभी नहीं कर पाएगा। आप अपने बाबूजी से जाके कह दीजिएगा कि ये लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन ये अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे और ये जगह खाली नहीं करेंगे। सत्य ही शिव, सत्य सुंदर, सत्य ही शिव है, सत्य को जो झुका सके ये किसकी हिम्मत है। सत्य ही शिव, सत्य सुंदर, सत्य ही शिव है, सत्य ही शिव है। मिलना अच्छा लगता है विशाल, इसलिए मैं आपसे मिलने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। वैसे चोरी छुपे मिलने का अपना ही मजा होता है पूजा। हाँ, लेकिन अगर पकड़े गए तो घर वालों को गुस्सा, उनकी बातें
वो कोई सजा से कम थोड़ी होती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये मामला जल्दी निपट जाए। लेकिन क्या हुआ विशाल, कोई परेशानी है क्या? हाँ पूजा, आज मैंने दादी से हमारे बारे में बात की। उन्होंने मुझसे बोला कि वो बाबूजी से मौका देखकर बात करेंगे, लेकिन एक जमीन को खाली करवाना है। आजकल वही हमारी मुसीबत बन गया है। बाबूजी को जमीन पर बिल्डिंग बनानी है, लेकिन बस्ती वाले जमीन खाली करने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन विशाल, आपके पापा के पास तो पैसों की ताकत है ना, वो चाहे तो पल भर में उन बस्ती वालों को वहां से भगा सकते हैं। फिर प्रॉब्लम ही क्या है? एक लड़की जो बस्ती वालों की मसीहा बनकर उनकी मदद करे, वो उनके हक में लड़ाई करे, उसके कारण ही बाबूजी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं ऐसा करके क्या मिलेगा उस आकांक्षा। क्या नाम बताया आपने उस लड़की का? आकांक्षा। मुझे मालूम था कि आकांक्षा आपके बाबूजी के खिलाफ काम कर रही है। मुझे तो कल ही शक हो गया था जब भाभी ने उसके बारे में भैया को बताया। तुम क्या कह रही हो पूजा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें कृष्णा भाभी कहाँ से आ गई? विशाल मैं बताती हूँ, आकांक्षा है ना, वो मेरी भाभी की छोटी बहन। कल ही भाभी भैया को बता रही थी कि आकांक्षा आजकल समाज सेवा का काम कर रही है, और आजकल वो किसी नामी बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मुझे तो कल ही शक हो गया था, कहीं आकांक्षा आपके बाबूजी के खिलाफ तो नहीं लड़ रही। भाभी को कुछ पता ही नहीं था। अच्छा हुआ आज आपने उसका नाम ले लिया, सब सच्चाई खुद सामने आ गई। पता है पूजा, इस आकांक्षा के कारण हमारे घर का माहौल खराब हो गया। आज तक किसी ने बाबूजी के सामने सर उठाने की हिम्मत तक नहीं की, लेकिन इस आकांक्षा ने सारे बस्ती वालों को इस कदर भड़काया है कि आज सब बाबूजी के सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हें पता है पूजा, इन्हीं सब बातों के कारण दादी बाबूजी से हमारे रिश्ते के बारे में बात नहीं करती। जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या।